नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकर सक्सेस में। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकर सक्सेस में। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकर सक्सेस में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए। आज अपने बात करने जा रहे हैं पजल के फोर्थ सेशन के बारे में, यानी आज अपने एक बॉक्स पजल डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी पीयू प्रीलिम्स से रिलेटेड है और एसबीआई कलर प्रीलिम्स के अंदर भी बॉक्स पजल पूछी जा सकती है क्योंकि आजकल में बॉक्स पजल जो है वो ट्रेंडिंग में है तो इसलिए पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पजल। पजल आपकी स्क्रीन पे आ चुकी होगी, पहले से आप इसको पढ़िए, कुछ से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं होती तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पजल का स्टार्ट करते हैं। हमें आठ डिब्बे दिए अपने को, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जेड, एक दूसरे के ऊपर है लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। अब क्रम देखिए, यहाँ पे जो क्रम होता है वो बॉक्स पजल का जो क्रम होता है ये जो अपनी फ्लोर पजल होती है इनका क्रम यही होता है कि 8 7 6 5 3 2 1 ये वाला क्रम होता है। ठीक है जी, अगर नहीं दिया हो तो यही मानते हैं और मोस्टली दिया होता है एग्जाम्स के अंदर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं बताया ऐसा कि कौन सा क्रम ऊपर रखना है, तो अपने को यही क्रम मानना है। ठीक है जी, अब देखिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टी एस के ठीक नीचे रखा हुआ है, देखिए टी जो है वो एस के ठीक नीचे रखा हुआ है, एस यहाँ पे अपना एस के ठीक नीचे कौन है टी। ठीक है जी, टी डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा हुआ है, टी जो वो कहां रखा हुआ है डब्ल्यू के ठीक ऊपर। तो देखिए टी और डब्ल्यू तीनों एक साथ आ गए। अब आगे देखिए क्यू यू के ठीक नीचे रखा हुआ है, क्यू जो है वो यू के ठीक नीचे रखा हुआ है, ये वाली इंफॉर्मेशन होगी। अब देखिए क्यू और आर के मध्य दो डिब्बे, अब देखिए क्यू और आर के मध्य दो डिब्बे हैं अपने पास, आर और एस के मध्य तीन डिब्बे हैं, आर और एस के मध्य तीन डिब्बे हैं जी, बी और डब्ल्यू के बीच में चार डिब्बे हैं, एक दो तीन चार, और जेड सबसे नीचे नहीं है, जेड सबसे नीचे नहीं है, सबसे नीचे मतलब एक नंबर पे जेड नहीं है, तो जेड क्या आएगा एक नंबर पे नहीं है जी। ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब देखिए तीन कॉमन अपने पास ये आ रहा है, इससे अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो अपने दो कंडीशन लेके चलेंगे जी, दो पॉसिबिलिटीज ले ली उन्होंने। ठीक है जी, अब देखिए कॉमन जो इंफॉर्मेशन क्या है कि आर और एस के बीच में कितने व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है। देखिए एस यहाँ पे तो 1 2 3 और आर यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे तो 1 2 3 और आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड लेके चलेंगे, ये वाली इंफॉर्मेशन हो चुकी है, इसको कट कर दीजिए। अब देखिए क्यू और आर के बीच में दो व्यक्ति है, अब इसमें देखिए सात व्यक्ति आ चुके हैं, सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। अगर इस लाइन की बात की जाए तो ऊपर अगर लेके जाए क्यू को तो दो व्यक्ति आएंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएंगे आठ से, तो ऊपर लेके नहीं जा सकते, तो क्यू अपना कहाँ पे आएगा, क्यू अपना आ जाएगा यहाँ पे 2% छोड़ के। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो 1 2 यहाँ पे तो टी है, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, तो देखिए 1 और 2 और क्यू आ जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, इसमें अपने पास पर्सन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं 8 के 8, यानी इसके अंदर और कोई पर्सन अपने ऐड नहीं करेंगे, अब सिर्फ 3 प्लेस खाली है इन पे रखेंगे। इसमें अभी एक प्लेस खाली है, वो पता नहीं ऊपर आएगा कि नीचे आएगा उसके बारे में अपने को पता नहीं है, वो देख लेंगे जहां भी आएगा। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन हो गई है, अब देखिए यू जो है क्यू भी ठीक ऊपर है, देखिए क्यू यहाँ पे तो यू यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे तो यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए V और W के बीच में कितने पर्सन है, 4 पर्सन है। अब देखिए W यहाँ पे है, अगर V को यहाँ पे रखूं तो कोई पर्सन नहीं आएगा, V को यहाँ पे रखूं तो सिर्फ 1 2 पर्सन आएंगे, 4 पर्सन नहीं आएगा, दो ही कंडीशन खाली है अपने पास, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपनी गलत हो जाती है। अब इसमें देखिए W यहाँ पे है 1 2 3 4, तो V अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर सर्टिफाइड होगी। अब देखिए जेड जो है वो सबसे नीचे नहीं आएगा, तो जेड जब सबसे नीचे नहीं है तो 1 पर्सन बचा है इसके अंदर, तो जेड अपना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो जेड कौन से पे आ गया, आठवें पे, सातवां, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, ये अपनी बॉक्स पजल कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।